Assalamualaikum. आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे वाला बर्गर और उसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी वो अभी मैं आपको बताती हूँ। शामी कबाब की रेसिपी मैं आपको पहले बना चुकी हूँ और आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से शामी कबाब की रेसिपी ले लीजिएगा और जितने जरूरत हो उतने शामी कबाब हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं हमें चाहिए होंगे शामी कबाब को फ्राई करने के लिए, कोट करने के लिए, और उसके अलावा हम बर्गर के अंदर भी अंडे डालेंगे, तो जितने आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है बटर और मैंने मायोनीज को मिक्स करके एक स्प्रेड बना लिया है, तो ये हमें स्प्रेडिंग के लिए चाहिए होगा बर्गर के ऊपर। घी चाहिए होगा हमें बंद को फ्राई करने के लिए और शामी कबाब फ्राई करने के लिए। ये यहाँ पर मैंने इमली की और हरे मसाले की चटनी यूज़ करी है और ये आपको मैं आगे इंशाल्लाह वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। आमतौर पर बर्गर वाले, बन कबाब वाले ये इसको यूज़ करते हैं, ये ऑप्शनल है। बन चाहिए होंगे हमको, यहाँ पर मैं चार बर्गर बना रही हूँ, इसके लिए मैंने चार लिए हैं। आप इसमें गोल वाले भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लंबे वाले बर्गर लेके उसको बीच में से इस तरह कट कर लिया है लंबा लंबा, और आप गोल वाले भी बर्गर यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल हमें चाहिए होंगी थोड़ी सी, इसमें मैंने खीरा ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं, प्याज और बंद गोभी ले लिए और इसको इस तरह स्लाइसेस में कट करके रख लिया है, ये बर्गर के अंदर हम यूज करेंगे। अब हम शामी कबाब को अंडे में डिप करके फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये सारे शामी कबाब को मैं फ्राई कर लूंगी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये हो रहे हैं फ्राई, और इसका साइज चेंज करके उसको गोल्डन ब्राउन जैसे हम करते हैं उस तरह कर लेंगे, फिर हम इसके बन फ्राई करने के लिए आएंगे। अब हमारे शामी कबाब देखें फ्राई हो गए हैं। अब मैं ये जो बंद हैं इनको जैसे सेकते हैं इसी तरीके से, अच्छे तरीके से हम इसको तवे पे सेक लेंगे सारे बंदों को। आपने देखा होगा इसी तरीके से वो घी डाल के जो है वो सेक रहे होते हैं, और ये सब काम आपको जल्दी जल्दी इसी टाइम पे करना होता है। बहुत आसान होते हैं बनाना, मुश्किल नहीं है, बस सिर्फ वही चीज़ है कि हम घर में वही चीज़ बना रहे हैं हाइजीनिक तरीके से, साफ तरीके से, हमें पता है, मेक श्योर कि हमारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लीन हैं। अब मैं इसी तरीके से सारे बंद देखें फ्राई करती जाऊंगी और ये बर्गर बनाती जाऊंगी। पहले ये अच्छे तरीके से पहले इसको थोड़ा सा सेक लें और गर्म कर लें इसको। बंद देखें हमने सेक लिए हैं, अब हम इसमें अंडा जो है जो हम फ्राई करते हैं वो फ्राई करने की तरफ आ रहे हैं। एक चमचा हमने घी डाल दिया इसमें, ये एक अंडे के करीब मैंने डाल दिया। चाट का मसाला मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 1 पिंच के करीब, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बन कबाब वाले जो हैं चाट का मसाला ज़रूर डालते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये कबाब इसके अंदर डालेंगे बीच में, आपने देखा होगा। अब इसी तरह देखें कबाब अंदर है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडे को हम फुल कुक कर लेंगे, जैसे गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे, जैसे कलर आ रहा है आस्ता आस्ता आप देख रहे हैं। ये देखें अंडा और शामी हमारा हो चुका है इस तरीके से असेंबल करने के लिए। अब हम आते हैं अंदर, इसी तरीके से मैं सारे कबाबों को अंडे में इसी तरीके से डिप करके और मैं फ्राई कर लूँगी, और फिर इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब हम इसको असेंबल करेंगे, जिस तरह बर्गर जो अंडा वाला बन कबाब होता है वैसे हम इसको असेंबल करने की तरफ आते हैं। बाकी हमारी चीज़ें कुक करने वाली चीज़ें जो थी, पकाने वाली चीज़ें थी, वो हमने कुक करनी है। अब सिर्फ इसका काम ये है, हमने चटनी डालनी है, सैलेड डालनी है और अब हम असेंबल करेंगे इसको। ये सिके हुए बन हमारे यहाँ पर रेडी हैं। अब हम इसमें हमने जो स्प्रेड तैयार किया था बटर और मायो का, इसको हम इस पर लगा देंगे। अब हम इसमें ये अंडा
और कबाब जो हमने शामी कबाब फ्राई किए थे इसको हमने बीच में रख दिया। अब हम इसमें डालेंगे अपनी ये थोड़ी प्याज और बन गोभी, ठीक है, और ये खीरा दो साइड पे लगाएं, टमाटर, और अब हम इसके बाद में ये डालेंगे इसमें ये हरी चटनी जो हमारी है, ये वही चटनी होती है जो आपने देखा होगा अंदर भी डालते हैं और बाहर इसको सर्व भी करते हैं इसके साथ। केचप भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, मैं केचप इसमें नहीं पसंद करती हूँ इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा पिंच जो है हम चाट का मसाला ऊपर से इसमें डाल रहे हैं। अब ये आप जब घर में बनाएंगे ना तो इतना ज़बरदस्त सा आपका हैवी सा ये बर्गर बनेगा, वहाँ पर आप देखते हैं कि इसको हमने इसके साथ बंद कर दिया तो आप घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा सा बनेगा। अब आपने इसको बिल्कुल ऐसे करके कट कर देना है। ये देखिए अंडे वाले बर्गर हमारे रेडी हो गए, इसको मैंने असेंबल कर दिया सही तरीके से। अब आप ये देखिए बहुत ही सिंपल और ईजी रेसिपी है और इसकी घर में जब आप बनाएंगे तो बहुत हाइजीनिक तरीके से और बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। और जब तक मैं कोई नेक्स्ट रेसिपी लेके आती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।